लोग रंगीन हो ना हो, लेकिन हम रंगीन चश्मे से उनको रंगीन देखेंगे, कलरफुल। गहू अभी ज्वारी काटा और हाथ भी काटा, और पहली बार बनाए हैं इतने सारे। होली, हैप्पी होली। वैसे रात को किसी ने दिवाली भी मना ली है, इधर भी पहाड़ में आग लगाकर। लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा त्योहार मनाना है। होली थी, दिवाली मना दी, और अब इस बात पे मैं हंस रही हूँ जिस पर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा था। और हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि हम अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, तो फिर रोना क्या है? जब प्रकृति नुकसान करे तब रोना चाहिए, जब खुद ही नुकसान कर रहे हैं फिर काहे का रोना? फिर देखो अपनी तमाशे को। क्या तमाशा देखने के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं अभी खेत में कटाई देखने। लावनी चल रहा है। मैंने अभी दीदी लोगों को बोला कि मैं भी आ रही हूँ। मैं इसलिए खेत में जा रही हूँ क्योंकि धूप में कटाई नहीं हो रही। अगर धूप में होती तो वाकई में मैं नहीं जाती, क्योंकि बहुत कड़क धूप हो रही है अभी, बहुत भीषण गर्मियाँ। तो अभी 4 बजे ही सब चले गए हैं, मैं थोड़ा सोकर नींद पूरी करके अब जा रही हूँ। वेट कर रही हूँ अंकु और आत्या का, क्योंकि खेत मुझे नहीं मालूम ना किसका खेत क्या है। एक यही तो है कि घर के बाहर तो नेम बोर्ड लगा होता है, हमको पता है कहाँ जाना है, या रास्ता भी पता होता है पूछ करके। खेत का नहीं पता होता, वहाँ कोई नेम बोर्ड नहीं होता। तो हम लोग चलते हैं खेत पे और होली वही मना। ये देखो जी, हम होली ऐसे मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? लोग रंगीन हो ना हो, लेकिन हम रंगीन चश्मे से उनको रंगीन देखेंगे, कलरफुल। ये भी सुबह सुबह सोचोगे कि क्या ज्ञान पेल रही है रतन, लेकिन फैक्ट ये ना, इंसान जैसा भी हो, हम जिस चश्मे से या नज़र से उनको देखते हैं ना, वो वैसे ही हमको लगते हैं। तो मैंने सोचा आज रंगीन चश्मे से सबको देखूंगी, सबको अच्छा अच्छा हैप्पी होली, हैप्पी होली। काश मेरे पास गुलाल होता, मैं ऐसे फेंकती। अंकु मुझसे पूछ रही है, छाता लेकर जा रहे हो, बहुत देर से आओगे क्या धूप निकलने के टाइम पर? मैंने कहा नहीं, कहीं धूप पहले निकल गया तो। मैं धूप से इतना डर गई हूँ कि भैया, और उसको कोई भरोसा भी नहीं है, यहाँ मौसम का बिल्कुल भरोसा ना करना, कब धूप कब छाव, कुछ गारंटी नहीं। ओ मंजर के हैं, आम मंजर के आ जाएगी। हाँ। अच्छा बांधना पड़ता है ये देखो, पेंट के से बांध दिए। हाँ तो एकदम नीचे से लगा के काटते हैं। नहीं ना, मिट्टी में मारू क्या? मुझे गिरा दिया दो छड़ी ने, बताओ। हाँ कहाँ रखूँ? हैप्पी होली, हम मिट्टी से होली खेल रहे हैं। किसानों की होली ऐसी होती है, देखो। सरकारी छुट्टी तो है नहीं और प्राइवेट छुट्टी भी नहीं कि हम लड़ाई करें, हमें छुट्टी दो। खेत कहेगा ले लो छुट्टी, कल फिर आना काम करने एक्स्ट्रा। ओ वहाँ पे होगी, कहाँ पे? ऐसा था ना, होता नहीं है रास्ता, भटकूंगी तो पूछूंगी अंकु का घर किधर है। हाँ कोई मिलना तो चाहिए, रास्ते में कोई नहीं होगा। नहीं नहीं मत आओ, तुम आते के साथ आओ, मैं दही लेकर आती हूँ। हो गया जी खेत में काम, पूरा हो गया, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी 10 मिनट में हो जाएगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ दही लेने, क्योंकि सुबह सुबह ही मार्केट का काम करके आ जाएंगे, फिर सब इकट्ठे यहाँ पर दही बड़े टेस्ट करेंगे, खाएंगे। इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इनको पसंद आएगा नहीं आएगा, खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन मैं तो ट्राई करूँगी। वंस अगेन हैप्पी होली। आज बार बार याद दिलाऊंगी कि होली है, होली है। किधर जाऊँ? खेत में पहली बार आई हूँ ना, तो पता नहीं चल रहा है रास्ता। रात को ये ज्वार भून करके मुझे अंकुर ने छिल छिल कर खिलाया, इतना टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको कहीं ज्वार की वैसे फलियाँ मिले ना, तो उसको पका कर खा के देखना। राम राम। गांव का रास्ता सीधा ना? गांव का रास्ता? गांव तो नहीं रास्ता है। नहीं नहीं गांव का नहीं,
भारती भारती आत्याचा घर हो तिकडे तिकडे पलीकडचा रस्ता तू इकडे हो ये नाही आहे ये नाही नाही माझा वो पाणी टंकी पाणी टंकी हा पाणी टंकी आहे ना हा वो रस्ता आहे तो पलीकडचा वो रस्ता आता इथून जा पलीकडून इथून इथून मी आली नाही रस्ता हा 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 सोयाबीन आहे ना आमचं सोयाबीन हा 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 सोयाबीन फुल के रस्ता हा 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 ठीक धन्यवाद मौशी गहू अभी ज्वारी काटा और हाथ भी काटा ज्वार काटा और हाथ भी काटा है इतना कट चुका है अब समझ में आया कि खेत में ना ग्लव्स की जरूरत है और ग्लव्स नहीं है तो सॉक्स ही डाल लो कम से कम हाथ तो बचे भारतीय आत्या तो भैया ये डाली हुई थी सॉक्स डाली थी अंगूठे वाला मैंने कहा सबसे समझदार आते हैं सो स्वीट भाग्य मुझे रास्ता दिखाने आ गया है हाँ अब मैं पहुँच जाऊँगी क्योंकि भाग्य मुझे ले जा रहा है रुक भाग्य रुक मैं आ रही हूँ अब रास्ता मिल गया है ये है सोयाबीन का खेत यानी कि मैं पहुँच गई ऐसा लग रहा है खेत से आई हूँ तो मैं बोलूँ पानी लाओ कुछ खाने को लाओ सेवा करो बिल्कुल कट पिट गए हैं यहाँ देख रहे हो स्किन पूरा निकल गया छाल होकर इधर भी पूरा स्क्रैच स्क्रैच आज तो भलाई है कि नाखून पे कुछ नेल पेंट चढ़ा लूँ क्योंकि वो फिर कलरफुल हो जाने वाले आज ही दही लेने अरे अरे रुको अजी कब आओ कोई घर पे ही नहीं रहता घर पे तो कभी आओ मिलने दोपहर में शाम में फिर जाना है नहीं। शाम में नहीं जाना ना नहीं। ठीक है हाँ जी तो ऐसा है कि सच में सब लोग अभी अपने लावनी के लिए खेत पे होते हैं और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा कार वॉश करूंगी और यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है तो हम नदी पर जा रहे हैं ये चखाने के लिए बना रही हूँ पर मैं बेहाल हूँ मैं सोच रही थी चखाने में ये हालत है तो बनाकर खिलाने में क्या हालत होगी अकेले बनाना इतने सारे लोगों के लिए इट्स रियली टफ वेरी डिफिकल्ट बट ठीक है दही बड़े ऑलमोस्ट हो चुके हैं हुआ और कुछ नहीं चटनी घट गया है तो अभी चटनी बनाऊंगी बस अब मैं सबको खिलाकर देकर आकर फिर मिलूंगी अच्छा पता है यहाँ पर ना कोई तैयार व्यार नहीं होते और कभी भी रंग लगा सकते हैं शाम को भी तो कोई शाम में नया कपड़ा नहीं पहनता तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रात को नया कपड़ा पहनूं कि नहीं पहनूं देखती हूँ शाम तक देखती हूँ क्या करना है फिलहाल तो पहले सबको खिला के आती हूँ अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है बस दही बड़े खाए हैं हैप्पी होली महाराष्ट्र की होली तो मुझे हॉलीडे लग रही है यहाँ पे कुछ होली जैसा नहीं है और बिहारी होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है होली से हम 2 से 3 दिन इसमें बिजी रहते हैं और खाऊ होली होती है हमारे यहाँ बहुत कुछ खाते हैं यहाँ बहुत कुछ तो नहीं लेकिन मैंने दही बड़े बनाए हैं और पहली बार बनाए हैं इतने सारे और मुझे लगता है कि अच्छा बना है मतलब जैसा मैं खाती हूँ घर पर वैसा ही लग रहा है मुझे तो लेट्स सी यहाँ पे लोगों को पसंद आता है या नहीं लेकिन खाएंगे तभी तो रिजेक्ट करना होगा या अच्छा लगेगा वो तभी तो पता चलेगा और मैंने पुए भी तले हैं ये भी अच्छा बना है पूरियां भी है लेकिन पूरियां तो सब खाते हैं यहाँ पर तो मैंने पूरियां ज़्यादा नहीं तली वो तो ऐसे ही बस मंच करने के लिए तल लिया था लेकिन पुए और दही बड़े बनाए हैं आज यहाँ होली का मतलब होता है चिकन मटन वेजिटेरियंस के यहाँ पे वाट लग जाने वाली है क्योंकि कुछ नहीं है वेजिटेरियंस के लिए तो मैंने तो भैया अपना संभाल लिया है मामला और पहले जा रही हूँ नीचे यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पर होली में कोई नए कपड़े नहीं पहनता और कभी भी रंग वंग चल सकता है जैसा कि अभी बताया तो मैंने भी नए कपड़े नहीं पहने लाई हूँ पर हैप्पी होली वाला नहीं हो रहा है फीलिंग क्योंकि पर जहाँ रहते हैं मुझे लगता है वहीं के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ करना ठीक है क्योंकि कब किसी का मूड बन जाए और होली हो जाए दूसरी बात ये कि
यहाँ पर कोई आता नहीं है आपके यहाँ घूमते घामते खाने खिलाने के लिए? जैसे हम लोग होली में घूमते हैं ना, हैप्पी होली आंटी, अरे आंटी क्या क्या बनाए, दही बड़े, आहा दही बड़े खाएंगे, बहुत कुछ चलता है। तो यहाँ पे बनाकर मैं ही लेकर जा रही हूँ घर पर, उनके उनके ही घर पर खिलाऊंगी। नमस्ते अंकल। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसा है? नमस्कार, माजा मराठी आप खूब छान। नमस्कार नमस्कार। आता आता आप नहीं आता आता वाला वाली। नमस्ते आंटी, हेलो, हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं वेट ही कर रही थी आप लोग का। बड़ा है ना? बड़ा है, बड़ा बस। आप लोग आए तो लग रहा है कि होली। अरे नानी, राम राम। ताई ताई ताईवान, आप लोग आए हो तो होली जैसा लग रहा है, वरना यहाँ तो होली नहीं लग रहा। कोई किसी के आता जाता नहीं, काम में बिजी है सब, खेत में। अरे खट्टी बन गई है दही, इतना शैतान है, मतलब खट्टा नहीं चाहिए। दही बड़े चखा है? पुष्पा खेल नाचतो दाखो पुष्पा। अरे पुष्पा खेल नाचतो दाखो। नहीं नहीं, थैंकफुली सबको बहुत पसंद आया। खाली हो चुका है, हम लोग कुछ लोगों को और देने जा रहे हैं, मैं और अंकु। अब हम घूम घाम के आते हैं, बात के पूछ के कैसा लगा। आ जाओ, बस अब होली ऑलमोस्ट एंड पे है। वैसे हमारे यहाँ तो बासी होली भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जितना होली रहा मज़ेदार रहा। अरे हाँ हाँ, आप लोगों ने अंकु को हैप्पी बर्थडे बोला है, अंकु सबने विश किया। हाँ, थैंक यू सबको, थैंक यू जी। और हाँ, कई लोग यहाँ पे मिलने आए थे हमारे पीछे, उनको भी थैंक यू सो मच। सोनाली ना? हाँ सोना, सोनाली आपका मैसेज मुझे आत्या ने दिया, थैंक्स। और आया अमित ने हमें आपका मैसेज दिया, थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए, ढूंढने के लिए और इच्छा जताने के लिए कि आप मिलना चाहते हैं। तो मिलेंगे ना, चलो अब खाना खा लेते हैं। आप लोग भी अपना खाना पीना करो। वंस अगेन हैप्पी होली। तुम इतना सारा प्याज अकेले खाओगे, हम लोग को भी दो। अरे बाप रे, बहुत थक गई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अकेली आज पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ कुकिंग करती रही और इतना सारा बनाया। आई एम थैंकफुली कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ फिनिश हो गया। होली में बिहार में एक मैंने देखा है कि ट्रेडिशन है खिलाने का। हम भी जब बनाते हैं ना घर में तो खाते तो है ही दिन भर, लेकिन गेस्ट बहुत आते हैं तो हम बस खिलाते ही रहते हैं, और फिर हम भी जाते हैं दूसरे के यहाँ तो वो हमें खिलाते रहते हैं। तो वो आना जाना और खिलाने का जो ट्रेडिशन है, वो मुझे लगता है मैंने यहाँ कंटिन्यू किया महाराष्ट्र में। तो वो अच्छा लग रहा है कि मैंने ब्रेक थोड़ी किया, अपनी होली तो वैसे ही मनाई जैसे हम मनाते हैं। ठीक है, अब मैं दबा कर सोऊंगी भाई, और कल मुझे लगता है कि हॉलीडे की ज़रूरत है, होली ने बहुत थका दिया। आज मैं फिल्म जाने वाली थी एक्चुअली, मुझे लगा यहाँ होली तो हो नहीं रही, और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा था कि यार मुझे ये फिल्म तो देखनी है, लेकिन आज नहीं जा पाई हूँ, कल फिल्म जाएंगे। आई नो आप सोच रहे होगे आँखें तो ठीक है नहीं तुम्हारी, तुम फिल्म देखोगी, पर क्या करूँ, देखना तो पड़ेगा, ये फिल्म तो देखना चाहती हूँ। चलो इन सब चीज़ों के बारे में कल बात करेंगे, अभी अभी मैं बोल रही थी अभी रखती हूँ, ओके बाय। बड़ी वाली बहन को होली विश नहीं किया। चलो जी चलो, अब मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन करने, हैप्पी होली बोलने। आप लोगों को भी वंस अगेन हैप्पी होली, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, राम राम, जय भारत, शब्बा खर खर राम राम, जय भारत, शब्बा खैर एंड हैप्पी होली।